फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यूपी पुलिस कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए और कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड बिना देर के चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं। अप्लाई डेट की बात करें फ्रेंड तो 27 तारीख बारहवा महीना 2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 16 तारीख एकवा महीना 2024 तक भरा जाएगा। मान लीजिए कि फॉर्म भरते वक्त फ्रेंड कुछ भी आप लोग का गलत हो जाता है, पिता का नाम है, आपका नाम है, एड्रेस, तो उसे सुधारने का भी समय दिया गया है। आप लोग उसको सुधार पाइएगा फ्रेंड जनवरी में 18 तारीख को आप लोग सुधार सकते हैं, समझे ना फ्रेंड। आप लोग का जो एग्जाम डेट दिया गया है, आप लोग का एग्जाम फरवरी 2024 में होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें फ्रेंड, जनरल ओबीसी को फॉर्म भरने में 400 रुपया लगेगा, एससी एसटी को फॉर्म भरने में भी 400 रुपया ही लगेगा। अदर स्टेट से कोई भी विद्यार्थी फॉर्म डालिएगा तो उसे जनरल में काउंट किया जाएगा और उसे 400 रुपया ही दिया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश से है उन्हीं को ओबीसी में मान्यता दिया जाएगा, एससी एसटी में मान्यता दिया जाएगा, समझे ना। और बाकी जितना भी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेंगे वो जनरल में काउंट किया जाएगा। जनरल ओबीसी को 400 रुपया और एससी एसटी को भी फॉर्म भरने में 400 रुपया ही लगेगा। आयु सीमा की बात करें फ्रेंड तो आप लोग का जो उम्र काउंट किया जा रहा है वो 1 तारीख 7वां महीना 2023 से आप लोग का उम्र काउंट किया जा रहा है, समझे ना। कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक उम्र लड़कों के लिए 22 साल और लड़की के लिए अधिक से अधिक 25 साल उम्र चाहिए, समझे ना फ्रेंड। टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड तो 60,244 पद पर वैकेंसी आया फ्रेंड, अभी तक में सबसे बड़ा वैकेंसी इसे कर सकते हैं फ्रेंड। ऑल ओवर इंडिया के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता की बात करें फ्रेंड तो 12वां पास सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, समझे ना। टोटल पोस्ट 60,244 पोस्ट है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल बताया गया, जिसमें जनरल के लिए 24,102 पोस्ट है, ओबीसी में 16,264 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 6,024 पोस्ट है, एससी में 12,650 पोस्ट है और एसटी के लिए फ्रेंड 1204 पोस्ट है। टोटल पोस्ट फ्रेंड 60,244 पोस्ट है। इसमें फ्रेंड फिजिकल की बात करें तो फ्रेंड मेल के लिए हाइट की बात करें जनरल ओबीसी और एसी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए और चेस्ट की बात करें फ्रेंड तो 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए मेल में जनरल ओबीसी के लिए। एसटी की हाइट की बात करें फ्रेंड मेल के लिए तो 160 सेंटीमीटर और छाती की बात करें 77 से 82, यानी कहने का मतलब फ्रेंड बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। फीमेल की बात करें फ्रेंड जनरल ओबीसी एसी के लिए तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट फीमेल को नापाया नहीं जाता। फीमेल एसटी की बात करें फ्रेंड तो 147 सेंटीमीटर फीमेल का हाइट रहना चाहिए और चेस्ट फीमेल को नापा नहीं जाता। 4800 मीटर यानी कहने का मतलब 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आप लोगों को रनिंग करना होगा, यानी 4800 मीटर 25 मिनट में रनिंग करना होगा पुरुषों को और महिलाओं को 2400 मीटर 14 मिनट में रनिंग करना होगा। फ्रेंड इस वैकेंसी से संबंधित आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को कमेंट के माध्यम से डाउट को सोल्व करने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड बाय।